दोस्तों, आज कुछ प्लांट रिपॉट करने हैं, तो वो दिखाते हैं उनकी सॉइल क्या है। ये बालू मिट्टी है, इसमें हम हस्क मिलाएंगे, राइस हस्क, प्लस फिर ये मेरी अपनी बनी हुई पत्तों की खाद है, उसके बाद ये काऊ डंग गोबर खाद, ये मिक्सअप करके मिक्सचर बनाएंगे और फिर पॉट्स में भरेंगे। लगाना क्या है हमने, ये फर्केरिया एक प्लांट, ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो फर्न है, कैंगरू फर्न प्लांट, ये प्रोफेसर साहब लाए थे, प्रोफेसर सैयद जहांगीर साहब, जिनका चैनल है प्लांट्स लवर, जिस पे ये वीडियो चल रही है समय, तो उन्होंने गिफ्ट मेरे लिए लेके आए थे, तो इनको रिपॉट कर रहे हैं हम बड़े पॉट्स में। ये तमाम जो मुख्तलिफ किस्म की कुछ खाद हैं, मट्टी है, और ये जो हस्क है, राइस हस्क, जो चावल के ऊपर का छिलका होता है, वो ये सारा मिला देंगे। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर पॉट्स में फिल करेंगे, और ये चूंकि छोटे पॉट्स में है तो इनको हमने ना 12 इंच के पॉट में शिफ्ट करना है। ये जी मंशा साहब ब्राई कर रहे हैं, अब नीचे ठीकरी रखी है उन्होंने, और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसको पहले दबाया है ताकि नीचे लूज सॉइल ना रह जाए। इनका माशाल्लाह ये बहुत एक्सपीरियंस है, कोशिश हमने की है कि वेल ड्रेन सॉइल बन जाए। अगर इसमें अगर आपको मिल जाए रिवर सैंड, जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, तो वो भी मिक्स कर दें ताकि और ज़्यादा वेल ड्रेन हो जाएगी। पेंडेनस जो है, जिसको केवड़ा प्लांट भी कहते हैं, ये बहुत ही मेरा फेवरेट प्लांट है, मुझे बहुत पसंद था। तो एक दिन प्रोफेसर साहब जिक्र किया तो कहते हैं आपने ख़रीदना नहीं है, मैं लेके आऊँगा, तो वो फिर लेके आए हैं। देखिए, इसके अभी रूट ऑलमोस्ट बाउंड हो चुकी थी, और उसको अभी नीचे से देख लेना है कि कोई इसमें पत्थर तो नहीं रखा या कोई चीज़ तो नहीं है, तो फिर क्लियर करके इसको थोड़ा सा लूज़ करके लगा देना है। इसको ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी ऊपर जो है स्टॉक में नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए इसको, इसलिए ये ज़रा नाजुक प्लांट है। अपने इसके बच्चे निकल सकते थे, लेकिन ये अभी हमने इसलिए इसकी साइड से निकले हुए थे, और ये प्लांट ऊंचा लगा हुआ था ज़्यादा, तो अभी इसको हमने एडजस्ट किया है, थोड़ा सा नीचे किया है, ताकि इसकी जो रूट्स हैं साइड से, बच्चों की रूट्स बन जाएँ, और जैसे बन जाएंगी तो फिर उनको सेपरेट कर देंगे, तो ये 3-4 प्लांट बन जाएंगे इनके। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक है इसकी, बहुत अच्छा प्लांट है ये। ये डिफिन बैकिया का प्लांट है, ये बड़ा ही हार्डी प्लांट होता है, स्पेशली ये दो वैरायटियां मेरे पास जो आई हैं, ये क्योंकि मैंने बहुत अरसा पहले ये दुबई में ग्रो किया था, तो वहाँ तो सॉइल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, कोकोपीट और हॉलैंड की आती हैं वहाँ पे, तो वो यूज़ करते थे हम लोग, लेकिन अभी यहाँ पे अपनी बनाई हुई सॉइल में लगा रहे हैं, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है ये, स्पेशली ये जो दो वैरायटियाँ मेरे पास आई हैं। अच्छा है, थोड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी तो बाद में ज़रा अच्छी क्वालिटी वाला फिर और लेंगे। ये भी टिफिन बाकी है, ऑलमोस्ट रूट बाउंड हो चुकी हैं, नीचे से चेक कर रहे हैं, ये नीचे चेक करके अभी लगा देंगे। इसकी कटिंग भी लग जाती है, छोटे छोटे पोर्शन, जिस तरह गन्ने के नहीं होते सेगमेंट, इस तरह करके लगाएं तो वो भी लग जाते हैं, सीधा साइड वाइज भी रख दें तब भी लग जाते हैं। प्लांट लगाते वक्त हमेशा देखें कि वो सीधा लगना चाहिए, दोनों साइड से चेक किया करें। ये क्रोटन एक है, अब ये लगा रहे हैं, ये हमारे दूसरे वाली हैं, जो इनका कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनका घुटना ज़ख्मी हुआ था, जिसकी वजह से ये ज़्यादा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं,
बस खराश ही आई थी कुछ घुटने में, लेकिन अब फिट है। तो एक दो दिन तक नीचे बैठ के भी काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। इनके हक में दुआ कीजिए। एक कैंगरू फर्न है बाबा जी, इसके दो प्लांट बना रहे हैं, उनको ये बड़ा पसंद आया। वो कह रहे हैं एक तो मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा जी ले लें, ये आपका हो गया। एक कहते हैं नई चीज़ है ये, अभी हाइट एडजस्ट होगी, अभी इसमें सॉइल डाल देंगे इधर उधर और ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा चलेगा। बट इजी टू ग्रो है ये। ये जरबेरा का प्लांट है और ये मुल्तान की नर्सरी है, उसमें उन्होंने ये ग्रो किए थे और बहुत ज़बरदस्त उनका वहाँ पे मुल्तान में ग्रोथ होती है। इतना जल्दी तैयार कर लिए पौधे उन्होंने, और उनका कहना है कि अगर किसी साहब को चाहिए तो होल सेल में वो उनसे ले सकते हैं। ये अब जी जरबेरा लगा रहे हैं इसमें लोग, ये जरबेरा अगर इसको इसकी केयर की जाए तो ये नेक्स्ट ईयर तक भी जाता है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फर कैरियर का प्लांट है, ये मुझे मंशा साहब ने गिफ्ट किया है, बहुत ही प्यारा, और उनको शायद इल्म था कि ये मेरा बहुत पसंदीदा प्लांट है, वेरिकेटेड, बहुत ही आला। और ये लाए और मुझे रीपॉट करके अभी दे रहे हैं इसको। अभी ये सेंटर में लगाएंगे, नीचे से कुछ एक दो पत्ते उन्होंने निकाले हैं क्योंकि वो टच कर रहे थे नीचे। अभी इधर उधर से सॉइल डाल देंगे मिट्टी और इंशाल्लाह ये यहीं से चल पड़ेगा। ये सावन के महीने में ऐसा महीना है कि आप किसी जो जिनकी कटिंग लगती है दरख्त की, टहनी भी काट के लगा देंगे ना कहीं पे भी, और उसको बस थोड़ा पानी मिल जाएगा बारिश का या दूसरा, तो वो चल जाती है। इसमें जो भी रीपॉटिंग करनी है, जो कटिंग सफाई करनी है पौधों की, आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मंथ है दोस्तों। ये आज जो रीपॉट किए हैं प्लांट्स, उनको एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये सैयद जहांगीर साहब ने जब विज़िट किया था मेरे घर तो ये गिफ्ट लाए थे मेरे लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारे प्लांट दिए हैं उन्होंने।